हेलो फ्रेंड, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक हो। आज हम बनाने वाले हैं भरमा के बैगन। भरमा के बैगन बनाने के लिए हमने ये प्याज कट कर लिए, इसको पीस लेंगे। और ये है जीरा, मेथी, और इसको हमने तवे में भून लिया। इसको दोनों मिक्स करके पीस लेंगे। ये छोटे छोटे हरे बैगन है, जिसको नमक ऐसे पीस से कट करके इसमें नमक भर रहे हैं। नमक इसलिए भर रहे हैं क्योंकि नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ऐसे करके हम इसमें सारे नमक भर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये इसमें नमक भर गया है। नमक इसलिए भर जाता है कि अगर हम सब्जी बनाए तो बिल्कुल हमें नमक मतलब टेस्ट अच्छा लगे इसका। और नमक इस पर भरे रहे। और इसमें अभी हम मसाला भरेंगे। ये इन मसालों को पीस लेंगे और ऐसे करके हम सारे बैगन को नमक में भर लेंगे। अब हमने गैस में कढ़ाई चढ़ा दिया, गैस ऑन करेंगे। इसका पानी सूख जाएगा, इसमें हम तेल डालेंगे और सबसे पहले बैगन को फ्राई करेंगे। कढ़ाई गरम हो गई है, अब इसमें तेल डालेंगे थोड़ा सा। तेल गरम हो जाएगा तो बैगन डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे बैगन। और इसमें हमने दो आलू कट कर लिए हैं, आलू भी डाल सकते हैं आप। अब इसको ऐसे फ्राई करेंगे। अब इसको 5 मिनट तक पकने देंगे और ढक देंगे। 5 मिनट बाद देखेंगे इसको और प्लेट निकालेंगे और देखेंगे बैगन हमारे पके कि नहीं पके। बैगन आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पक गए हैं, ये हल्के हल्के ब्राउन भी हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे इस प्लेट में। अब इस पे हम मसाला भरेंगे। ये हमने निकाल लिया है, अब इसमें तेल डालेंगे। अब इसमें डालेंगे जीरा, अब डालेंगे जो हमने मसाला पीसा था। मैं कोई कोई मसाला भर के ही बना सकता है, लेकिन हम बिना मसाला भरे बना रहे हैं क्योंकि मसाला भरेंगे तो वैसे ही मसाला निकल जाएगा। मसाला में मिक्स करके बनाएंगे तो वैसे ही बनेगा। अच्छी तरह से भुनने देंगे जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। पहले डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसको भुनने देंगे 10 मिनट तक। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने बैगन में पहले से ही नमक डाला था, इसलिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। और इसको अच्छे से भुनने देंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट बाद हमें ये बैगन डालेंगे। ये बैगन
5 मिनट हो गए हैं, अब हम बैंगन डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसको ढक देंगे एक प्लेट से और 10 मिनट तक पकने देंगे, फिर हमारा बैंगन बनके रेडी हो जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम देखेंगे हमारी सब्जी पक गई है कि नहीं। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी भरमा के बैंगन बनके रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे भरमा के बैंगन बनके रेडी हो गए हैं, कितने टेस्टी और यम्मी लग रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नीचे लाल बटन दी होगी इस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब होता है और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।